अर्चना जी हैज अ क्वेश्चन, डू न्यूक्लियर फैमिली हैव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? व्हेन आई एम रीडिंग दिस वर्ड डेवलपमेंट, यू नो आई डोंट नो व्हाट यू मीन, बट डेवलपमेंट फॉर मी इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट, यू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल फैसिलिटी विद द रेस्ट ऑफ द नेचर. सो the development of these perspectives in the children, yes, we need a mentor, you know, we need a the parents. The difference between the nuclear family and the combined family is that in the nuclear families, children get access to a couple of people most of the time, and these couple of people are also busy with their own routines, so hardly have a time to look after the children. तो बहुत सारे ये जो बच्चे हैं, बच्चे तो कहीं यू नो इनका जो पोषण है, ये पोषण की भी जिम्मेदारी हम किसी और को ही दिए जाते हैं ना, कि ये कोई मेड को रखते हैं या फिर उस तरीके से सारी बातें होती है. तो एक तो ये बात है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में भी अगर रहे और पेरेंट्स अगर समझदार है तो अपने बच्चों को समझदार बिल्कुल बना ही सकते हैं. एक तो बात यह है, कंबाइंड फैमिली में ये होता है कि कम उसमें चूंकि बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं और पारिवारिक जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उस पारिवारिक इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ में मिलकर शेयर करते हैं और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो जो जो इंस्टिंक्ट ऑफ शेयरिंग है ना, और उसके बाद में द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ रिलेशनशिप, उसका क्लैरिटी बच्चों को ज्यादा आ पाता है, जिसके थ्रू डेवलपमेंट यू नो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उनका, वो प्रोसेस काफी स्मूथ हो सकता है. लेकिन चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो या चाहे यू नो कंबाइंड फैमिली हो, ये दोनों भी सिस्टम में अगर हमें बच्चों को डेवलप करना है तो उससे पहले ये तो प्री रिक्विजिट है कि वी नीड टू डेवलप आवर सेल्फ. We need to ensure this understanding within ourselves first. So once we understand this, then only we can disseminate this understanding with our children. Is that clear, Archana ji? Thank you.